तो यूपी में सभी चरणों में मतदान खत्म होने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर मतगणना स्थल पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात करने के साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। इन पूरे हालात पर हमारे संवाददाता रिंकी उपाध्याय ने जायजा लिया है, आइए आपको दिखाते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट का खास प्रयोग माना जा रहा है, क्योंकि इस बार जिले की 9 विधानसभा सीटों पर 16,225 पोस्टल बैलेट का प्रयोग किया गया है, जिसमें से 9,500 प्रशासन के हाथ लग चुके हैं। वही प्रशासन का कहना है कि जो भी होंगे वो 10 मार्च के सुबह 8 बजे स्वीकार किए जाएंगे। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि आगरा की 9 विधानसभा सीटों की जो मतगणना स्थल बनाए गए हैं वो 5 जगह स्थान बनाया गया है। बाह विधानसभा का बाह में रहेगा, फतेहपुर सीकरी का फल मंडी में रहेगा और खेरागढ़ का खेरागढ़ की फल मंडी में स्थान बनाया गया, वहीं फतेहाबाद का फतेहाबाद में मनाया गया। लेकिन आगरा का 5 विधानसभा सीटों का जो मतगणना स्थल बनाया गया है वो फिरोजाबाद रोड मंडी समिति में बनाया गया है। इसलिए आगरा के प्रशासन ने पूरी तरीके से सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और बधाई आपको बता दें कि सुरक्षा के लिए मिलिट्री फोर्स का तैनात किया गया है और सीसी कैमरे का भी प्रयोग किया जा रहा है। इस बार प्रशासन, आगरा का प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि कोई भी भूल चूक ना हो पाए, इसलिए मंडी समिति को पूरा सुरक्षा कवच के रूप में ढक लिया गया है। पुलिस प्रशासन लगातार वहाँ पर अपनी ड्यूटी तैनात कर रहा है। हम आपको बता दें कि हर जगह 14 टेबलों का प्रयोग किया जाएगा और जिस पर बारी बारी से बैलेट पेपर या किसी मानव अधिकार या मतगणना का प्रयोग किया जाएगा। आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज़।